अमिया के बोदल कछार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो पूरे इलाके में डर का माहौल और युवक ने 8 लोगों को बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। अब बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इस बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और क्या कुछ कारण हो सकते हैं, कौन है ये युवक, इनसे क्या इस परिवार का नाता है, ये तमाम सवाल। और अब पुलिस मामले की जांच में। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, ये पूरा घटनाक्रम बताएं, कौन है युवक, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ कारण थे? देखिए, ये जो छिंदवाड़ा का तामिया जो है वहाँ पूरा बोदल कछार करके गांव है, पूरा आदिवासी इलाका है, आदिवासी यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी इंटीरियर में है, ये बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है काफ़ी, और इलाका और मूलतः यहाँ सारे आदिवासी परिवार ही रहते हैं। तो अभी जो पूरी घटना है वो देर रात की 3 बजे की करीब बताई गई है और देर रात को जो युवक है ये बताया जा रहा है, इसने अपने परिवार के जो लोग सो रहे थे, इसका पहले पत्नी से विवाद भी था, विवाद हुआ, उसके बाद इसने अपनी पत्नी, इसके बाद जो अपना जो भाई, भाई के अपने बच्चे, भाई के बच्चे, करीब ऐसे जितने भी लोग थे इसके घर में, 12 से 13 लोग इसके घर में बताए जा रहे रहते थे, उन सब पर इसने हमला शुरू किया। आसपास इनके परिवार के लोग भी रहते हैं, जब चीख पुकार हुई, आसपास से आवाज आई तो कुछ रिश्तेदार वहां पहुंचे, लेकिन उस पर जिस तरह से वो हमलावर था, सबको कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा था, तो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। और उसके बाद इस युवक ने एक एक करके करीब 8 लोग जो इसके परिवार खुद के अपने थे उन सब पर हमला करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही नृशंस हत्याकांड है और पूरे इलाके में उसके बाद सनसनी फैल गई, उसके बाद प्रशासन और पुलिस तक पूरी सूचना पहुंची। तो पूरा जो छिंदवाड़ा से काफी दूर है, इंटीरियर में इलाका है, तो अल सुबह तक सारे स्टाफ वहां पहुंचा, एसपी से लेकर जितने आला अफसर है वहां पहुंच चुके हैं, वहां जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया। उस समय जो कुछ घायल हुए, जो भाई के बेटे, उन बेटों को लिया गया, लेकर अस्पताल भर्ती कराया गया, वो भी गंभीर घायल है, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर पहुंचे थे, जो रिश्तेदार बच गए दूर, उन्होंने बताया कि जो हमला था पूरा वो अचानक से हुआ, कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में और उसने छोटे से विवाद के बाद सब पर हमला करना शुरू किया, कुल्हाड़ी से लगातार एक से एक वार करना शुरू कर, एक पर एक कर, और उसके बाद जो भी सामने आया बीच बचाव करने उस पर भी उसने कुल्हाड़ी से हमला करा, उसे भी मार दिया। और उस समय चीख पुकार मची, लगातार आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि गांव में घर थोड़े काफी दूर होते, तो वहां आसपास के लोग इकट्ठा हुए। फिर उसके बाद जब तक ये युवक वहां से वार करने के बाद थोड़ा दूर भागा और फिर इसने भी सुसाइड कर लिया। अब पूरी घटनाक्रम पे युवक को अपना पकड़, क्योंकि उसने खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली, तो बड़ा सवाल ये हुआ कि उसने क्यों अंजाम दिया, क्यों उसके सिर पर खून सवार था, ये सारे सवाल अभी अब केवल जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो घायल हुए हैं उस हमले में वो बता पाएंगे। तो अभी वो सारी पूछताछ पुलिस से बातचीत कर रही है, बयान ले रही है, तो क्योंकि इस इलाके में संवेदनशील स्थिति है, बड़ी संख्या में हुजूम जमाए हुआ, लोग जानना चाह रहे कि आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई और इतना पूरे गांव में इस तरह से माहौल एक थोड़ा संवेदनशील है, तो वहां अभी सबसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। अभी सबसे बड़ी प्रशासन की, पुलिस की चिंता है कि सारे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, वहां से सारे सैंपल वगैरह जुटाए जाए और उसके बाद पीएम जब हो और गांव में माहौल नहीं खराब हो, इन सब चीजों को लेकर भी अभी पुलिस प्रशासन की चिंता है। बाकी ये जांच भी की जा रही है कि आखिर ये पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया, इतना बड़ा घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये सब अभी कारण सामने आना बाकी। बिल्कुल शैलेंद्र, और राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, क्या ये मानसिक रूप से सही नहीं था युवक जिसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देना, जो सामने आ रहा है रोकने के लिए उस पर भी हमला करना, साथ ही ये भी डिटेल बताइए राजेश कि कुल कितने लोग क्या जख्मी भी हैं, क्या जो मृतक है उनके बाद कुछ जख्मी लोग भी हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, घटना के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि एक बच्चा जो था वो किसी तरीके से भाग गया है, क्योंकि अंधेरा था, वो उसमें भागने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ दूरी पर
वो जाकर गिर गया था, उसको गांव वालों ने देखा और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसकी हालत गंभीर है, उस पर भी हमला किया था इसने, क्योंकि पूरे परिवार को मारने का इरादा सामने आ रहा है। इस वजह से ये बताइए संभावना, ये कयास पुलिस लगा रही है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक कारण सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो आसपास के ग्रामीणों से पुलिस ने अभी बयान दिए हैं, जो बातचीत की है, अभी अभी पुलिस अधिकारियों का ये कहना पड़ रहा है कि लंबे समय से वो मानसिक तौर पर गड़बड़ था, मानसिक हालत उसकी अच्छी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करके अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार देना, ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त होने की निशानी बड़े आसानी से मानी नहीं जा सकती। गांव वालों का कहना है कि मानसिक तौर पे जरूर विक्षिप्त था, लेकिन एक एक करके लगातार तमाम लोगों को मौत की घाट उतार देना, ये कहीं ना कहीं कुछ और कारण इसका सामने आ सकता है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी इस मामले पर भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम है, तो कोई और तो शामिल नहीं था, कोई और भाग तो नहीं गया है, ये भी एक पहलू ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी जांच कर रही है, गांव वालों से बातचीत कर रही है, घायल जो है बच्चा उससे पूछताछ की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक है, इस वजह से वो बताने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल, कितने साल का ये बच्चा जो घायल हुआ है राजेश? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार बच्चा 10 साल के आसपास का है, इस वजह से उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, वो बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो होश में आएगा या बातचीत करने की स्थिति बनेगी, पुलिस उसके बयान और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी वो खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जाहिर सी बात है शक का ये भी सुई घूम रही है कि शायद इसमें और भी कोई शामिल हो सकता है जो उसे ट्रिगर किया हो और उसके बाद उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कैसा माहौल था, घर में कुल कितने लोग मौजूद थे जब युवक हमला कर रहा था, तो क्या वो इतना हावी हो चुका था सब लोगों में कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया, उसके हाथ से हथियार छीन नहीं पाया? राजेश जी बिल्कुल, क्योंकि आस पास दोनों भाइयों के घर है, इसके खुद के भाई का घर बाजू में है, लगा हुआ घर है। जब इसने हमला शुरू किया तो गांव वालों का ये कहना कि जब हमला शुरू किया तो चीख पुकार मची और बाजू में जो भाई रहता है बगल में उसका परिवार दौड़ा, क्योंकि खून सवार था और कुल्हाड़ी लिए हुए था, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसके पास जाए। उसका भाई जरूर उसके पास गया, लेकिन उस पर भी उसने इतना गंभीर हमला कर दिया कि वो उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा परिवार के जो दूसरे सदस्य थे जो बचाने की कोशिश में आए, क्योंकि वहां बच्चे थे, बच्चों को बचाने की परिवार के सदस्यों ने कोशिश की, उनको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर 8 लोगों को एक एक करके उसने मौत के घाट उतारा। उसके बाद जब उसे लगा कि ये बड़ी वारदात उसके हाथ से हो चुकी है तो वहां से भाग निकला। उसके पीछे कुछ लोग जरूर गए, लेकिन चूंकि उसके सिर पर खून सवार था, डर दहशत का माहौल था, इस वजह से ज्यादा पीछा करना लोगों ने उचित नहीं समझा। वो कुछ दूरी पर गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक जो जानकारी हमारे पास सामने आई है वो ये है। जी बिल्कुल, और साथ ही घायल बच्चे की क्या स्थिति है, बच पाना उसका कितना संभव है? जी पुलिस का कहना है कि उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, उपचार चल रहा है, बच्चे को चोटें गंभीर आई है, कुल्हाड़ी की चोटें हैं, डॉक्टर लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं, बच्चे को हालत जो है अभी बच्चे की थोड़ी गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल, और शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये बहुत ही चौंकाने वाला घटनाक्रम है और इलाके में इस तरीके का जब माहौल बनता है तो जाहिर सी बात है कि आसपास लोगों में डर का माहौल भी होता है। शक किस हो ये भी कि शायद इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है, क्योंकि युवक एक साथ अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे, उसके बाद वो भाग जाए और खुद को भी फांसी लगा ले। हो सकता है कि मानसिक रूप से कुछ सही ना हो, लेकिन इतना तो उसको अकल थी कि उसको भागना था और उसके बाद उसको ये भी मालूम था कि वो बुरी तरीके से फंस गया है और उसके बाद उसने खुद भी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह का घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया, तो निश्चित ही उसकी मानसिक स्थितियां, वो उस समय जब उसने इतना बड़ी वारदात की, इतना बड़ा परिवार के लोगों को मारा, तो उस पर एक तरह से खून सवार था, उससे कुछ भी उस समय होशो आवास नहीं था कि वो कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे। उसे तो लग रहा था कि जो भी उसके सामने आए उसे मारना है, उसे मौत के घाट उतारना है। तो निश्चित ही उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ऐसा बताया जा रहा कि वो नशे का आदि था और काफी समय से उसकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे कि वो पारिवारिक उसके झगड़े भी लगातार चल रहे थे। तो ये सब चीजें भी जांच के बिंदु में है कि आखिर मूल वजह क्या है। लेकिन निश्चित ही इलाके में भी एक डर का माहौल है, अभी संवेदनशील माहौल है। एक बड़ा पॉइंट ये भी आ रहा है
कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक पुलिस की बात अगर की जाए, अगर ये लगातार पारिवारिक विवाद हो रहा था काफी दिनों से और ये लोग आपस में अगर इनके बीच स्थिति ठीक नहीं थी परिवार की या कोई पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा था, तो क्या इसकी शिकायत थाने तक आई थी? क्या स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना थी कि इस परिवार में कुछ झगड़ा है, या ऐसी कोई काउंसलिंग कराई जा सकती थी, युवक को समझाइश दी जा सकती थी, इन्हें अलग थोड़ा किया जा सकता था ताकि इस घटना से बचा जा सकता? एक ये बड़ा बिंदु है जिसकी जांच की जाना चाहिए या हो सकती है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसकी पत्नी ने थाने में आवेदन दे रखा हो कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है, ये पारिवारिक झगड़े करता है, क्योंकि इतना बड़ी घटना को अंजाम देना ये बड़ा ही चौंकाने वाला है कि इतने सारे लोग परिवार के जो सामने आया उसे मार दिया, तो मानसिक स्थिति पर तो सवाल हो ही रहे। इतना नशा भी अगर वो करता था तो उसे क्या नशा के मुक्ति केंद्र में ले जाया जा सकता था समय रहते? ये सब एक जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी काउंसलिंग की जाना चाहिए थी। तो अब ये सब जांच का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को कभी पहले शिकायत या आवेदन आए हो तो हल्के में लिया हो, ध्यान ही ना दिया हो, ये भी सब एक जांच के बिंदु पहलू की जांच होगी जहां पर संदेह हो सकता है। शैलेंद्र, ये भी बताइए एक बार स्पष्ट करिए जो मृतक है उनमें कौन कौन शामिल, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कौन शामिल है उनमें? देखिए अभी सारी सूचना अभी इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि जहां घटना स्थल है वो बड़ी दूर था, जो क्योंकि रात को देर रात घटना हुई तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे। रोकना चाहेंगे आपको, छिंदवाड़ा से एसपी मनीष खत्री साहब जुड़ गए। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये एक चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आया, सबसे पहले तो ये जानकारी बताइएगा अगर हो कि कुल कितने लोग इसमें मृतक हुए, कौन कौन इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कौन कौन शामिल थे इसमें? मनीष जी देखिए, जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से करीब 145 किलोमीटर दूर मालजोर थाने से 50 किलोमीटर दूर ये जो चावल पानी से भी आगे ये जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे बोदल कचार गांव है, यहाँ पे एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है दिनेश उर्फ बुरा, इसके द्वारा अपने परिवार के 8 लोगों की सोते समय कुलाड़ी से जो हत्या की गई है। ये घटना करीब 2:30 बजे रात की है। डायल 100 द्वारा पुलिस को 3 बजे सूचना मिली थी गांव से, और इसके अलावा इनकी हत्या करने के बाद इसने इसके जो ताऊ का लड़का है 10 वर्षीय उसको भी कुलाड़ी से हमला किया था, उसको घायल कर दिया था। तो उसके बाद ये भाग गया था, गांव वालों ने ये जानकारी दी थी कि या तो भाग गया या घर पे है, तो वो थाना प्रभारी माहौल जी जो भी और अन्य आपके पास के थाना प्रभारी सबको लगाया गया था कि क्षेत्र में इसकी तलाश की जाए और घटनास्थल पहुंचने के लिए सब निकले थे तुरंत। तो इसमें ये घटनास्थल से स्थिति सामने आई है, मैं भी अभी स्पॉट पे ही हूँ। इसमें इसकी इसके द्वारा अपनी माँ जो 55 वर्षीय है, भाई करीब 35 वर्षीय है और उसकी भाभी 30 वर्षीय, बहन 16 वर्षीय और 3 जो भतीजा, एक भतीजा और 2 भतीजी, वो 5, 4 और 1.5 साल के हैं, इनकी हत्या की। और इसकी पत्नी जो है 23 साल की है, उसकी भी हत्या की। तो इस तरह से 8 लोगों की इसने हत्या की। इसके बाद इसने जो पास के घर है, जो ताऊ का घर है, वहां जाके एक जो इसका ताऊ का लड़का है 10 वर्षीय उसको भी घायल किया था, जिसको यहाँ से तुरंत, क्योंकि वो घायल अवस्था में जीवित था तो उसको तुरंत यहाँ से तामिया ले जाया गया था और वहाँ से अस्पताल से रिफर करा के छिंदवाड़ा में एक अच्छे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, वो उसको सभी जो है। यानी कि जो घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे, कोई पुरुष मौजूद नहीं था उस दौरान? इसका भाई था ना, इसकी भाई जो है वो जो इसका बड़ा भाई है, हाँ, उसकी भी हत्या की है इसने, बड़ा भाई श्रवण की भी हत्या। कुछ कारण जानकारी ऐसी भी कि पहले भी कुछ विवादों के चलते शिकायत दर्ज करवाई गई थी थानों में, क्या ऐसा भी कोई मामला है क्या इसके प्रति, इसके विरुद्ध में कोई शिकायत थी और उस पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया, कोई खास ध्यान नहीं दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मानसिक रूप से जो है डिस्टर्ब था और अभी 21 तारीख को इसकी शादी भी हुई थी, तो अभी तो इसकी नई शादी भी हुई थी और इसने सबसे पहले तो अपनी जो अंदर एक कमरे में था अपनी पत्नी के साथ, बाकी लोग बाहर सो रहे थे, हाँ। सबसे पहले इसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद इसने निकल के बाहर जो सारे रिश्तेदार थे इनकी की, और पड़ोस के जो करीब 50 मीटर दूर जो ताऊ का घर है वहां जाके भी हमला किया। मनीष जी, क्या कोई विवाद हुआ था पत्नी के साथ या नशे का आदि था इसके चलते पारिवारिक कोई विवाद हुआ था उसके बाद इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया?
जांच की बिंदु है, विस्तृत जांच होगी इसमें। मैं घटना स्थल पे हूँ, सारे अधिकारी हैं। एक बार और बताइए किस तरीके से जांच हो रही है, क्या क्या? देखिए अभी यहाँ पे फोरेंसिक टीम जो है आ गई है। फोरेंसिक टीम फोरेंसिक एविडेंस लेगी कि घटना स्थल से जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया गया है। ठीक है, वो भी मतलब सुरक्षित है घटना स्थल पे, घटना स्थल सुरक्षित किया गया। अभी उसमें पता नहीं क्या रही। किसी और के भी शामिल होने का कोई शक कि इसको किसी ने भरा हो या इसको इस तरीके से ट्रिगर किया हो कि इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? नहीं नहीं, जब इसने पड़ोस के घर में दाऊ के घर में हमला किया था तब वो दादी उठ गई थी। हाँ। उसने तुरंत वो बच्चे को अपने गोद में लिया था, आई विटनेस है, उन्होंने देखा ही अकेले इसने घटना की है, इसमें कोई संचय नहीं। जी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरी जानकारी दी है इस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें इस आरोपी युवक ने अपने भाई, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी पत्नी, अपनी भतीजी, भतीजे और तेज वशी भी एक बहन है उसकी भी हत्या कर दी, और साथ ही ये ताऊ के घर भी गया, वहां पर भी उसने एक अपने भाई पर हमला किया, भतीजे पर, जो इसका भतीजा कहलाता है, उस पर हमला किया। और भी लोग मौजूद थे, गनीमत रही कि वो लोग बच गए और भाग कर गया यहां से, और कुछ ही दूरी पर इसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में ही एक भतीजा था 10 साल का, वो उसको भी कुल्हाड़ी से वार किया था उस पर, लेकिन वो देर रात में अंधेरे के दौरान वो यहां से भाग गया। हालांकि लहूलुहान वो भी हुआ, लेकिन वो यहां से भाग गया, और जब गांव वालों के पास वो जाकर इस पूरी घटना को बताया, तुरंत थाने पहुंचे, थाने से डायल 100 को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस तुरंत पहुंची। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच का ये पूरा घटनाक्रम है, और अब फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है। जैसा कि हमारी बात हो रही थी छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री जी से, उनका ये कहना है कि वो खुद मौके पर है और पूरी जांच टीमें पहुंच चुकी हैं, हथियार जब्त किए जा रहे हैं, वहां पर पूरा मौका मुआयना किया जा रहा है, सुराग एकत्रित किए जा रहे हैं, और ये भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिक रूप से ये विक्षिप्त था, ये अकेला ही था जिसने वारदात को अंजाम दिया, सोते हुए लोगों पर इसने हमला किया है। संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े, शैलेंद्र, सोते हुए परिवार के लोगों पर हमला किया है, महिलाएं शामिल हैं, मासूम बच्चे शामिल हैं, माँ, भाभी, बहन, भतीजे, भतीजी, भाई, यानी कि किसी को उसने नहीं छोड़ा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जानकारी मिल रही, बड़ा चौंकाने वाला है कि उसकी अभी ही शादी हुई थी और उसके बाद अगर मानसिक विक्षिप्त था तो सवाल ये भी, अगर शादी अभी हुई है तो मानसिक स्थिति क्या थी, कि ये भी नया बिंदु है कि अगर वो अभी अभी शादी हुई थी तो और कोई कारण तो नहीं है। अब एक ये भी बड़ा जांच का बिंदु होगा निश्चित ही कि वो अगर मानसिक विक्षिप्त था तो उसकी शादी हुई किस अवस्था में हुई, और अगर उसने पत्नी के पास साथ झगड़ा शुरू किया, पत्नी को मारा, उसके बाद वो बाहर निकला, फिर उसने कुल्हाड़ी से एक एक कर जो सामने आता गया उसको मारता गया, अपनी माँ, अपना भाई, भाई अपने 3 भतीजे, भतीजी, मतलब बड़ा ही गंभीर और बड़ा हैरान करने वाला नृशंस से हत्याकांड है कि इस तरह उस पर खून सवार था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो सामने था, गुस्सा इतना हावी था। तो ये भी एक जांच का बिंदु है, अगर अभी अभी शादी हुई है तो कोई और ऐसा कारण तो नहीं है, जो वो भी एक बिंदु अब जांच में रहेगा। और ये सारी वजह जो है अब, क्योंकि एसपी मनीष खत्री खुद बता रहे थे कि वो घटना स्थल पर है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, उन्होंने इस बात से इनकार भी किया है कि इसकी तरह कोई ऐसी पहले शिकायत आई थी तो, लेकिन सभी बिंदुओं को जांच में ले जा रहा है, ये बात है। घटना स्थल से वो कुल्हाड़ी जिससे इसने सबको मारा वो भी जब्त हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके युवक के, क्योंकि वो खुद सुसाइड कर चुका है तो वो बयान अब नहीं आएंगे, लेकिन और या उसकी पत्नी, जहां से विवाद के जड़ शुरू हुई सबसे पहले, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ, वो दोनों ही मारे जा चुके हैं, तो कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, और इन अनसुलझे सवालों को लेकर हो सकता है बिंदुवार जांच होगी या तब ये सामने आएगा, क्योंकि उसकी दादी जो है उसने उस बच्चे को अपने पास छुपा लिया था तो उसने दादी पे हमला नहीं किया, तो उस समय क्या हुआ होगा, उस दादी ने दरवाजा लगा के अपनी जान बचाई या अपने छोटे मासूम पोते को बचा लिया 10 साल के जो घायल है जिस पे हमला हुआ था, भागकर वो गोद में जाकर छुपा, तो ये सब अभी चीजें हैं। तो दादी से भी जब बात होगी उसकी तो पता चलेगा कि आखिर मूल वजह क्या थी, युवक चाहता क्या था, उसका कोई और मंशा थी
पर एक बात से साफ इनकार किया है पुलिस ने, या एसपी अभी बता भी रहे थे कि इसमें कोई और शामिल है, क्योंकि अगर इस तरह होता तो घटना स्थल पर बातें समझ में आ जाती कि और कोई लोग थे और वो लोग सब मिलकर हमला किए, इस तरह की बात भी सामने अभी फिलहाल नहीं आ रही, तो निश्चित ही ये मानसिक विक्षिप्त है और इसने अपने गुस्से में इस तरह हैवानियत को का काम किया, इतना जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। शैलेंद्र, चौंकाने वाली बात है कि इतना बड़ा परिवार था, इसमें 2.5 साल का मासूम, 4 से 5 साल का मासूम और भी जो छोटे 10 साल का बच्चा जिसे इसने जख्मी कर दिया था। रात में क्या कैसे ग्रामीणों को सूचना लगी कि इस तरीके की वारदात हुई है? जैसा कि हमारी एसपी से बात हो रही थी मनीष जी, उनका ये कहना था कि रात को 2 से 2.5 बजे के बीच में उनको सूचना मिली थी और तुरंत मौके के लिए पुलिस रवाना हो गई, क्योंकि तामिया बहुत आउटसाइड गांव है, आदिवासी इलाका है, तो वहां पहुंच पाना, उस लोकेशन को ढूंढ पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, जो छिंदवाड़ा का तामिया जिला है, ये पातालकोट, ये बड़े सुदूर इलाके हैं और बहुत इंटीरियर में, ये यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इंटीरियर में, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा वहाँ छोटे छोटे गाँव और बड़ी छोटी छोटी आबादी गाँव बसे हुए अलग अलग दूर दूर इलाकों में, तो ये जो बोदल कछार करके जो गांव है ये भी छोटा सा एक गांव है, ये पूरा आदिवासी इलाका है, यहाँ पूरी आसपास के इलाकों में आदिवासी परिवार ही रहते हैं, ये भी आदिवासी परिवार है, तो निश्चित ही यहाँ पर जिस घटना जो हुई रात की, तो वहाँ से 100 डायल तक का पहुँचना भी बड़ा एक मुश्किल होता है, एक चुनौती भरा, क्योंकि वो बहुत दूर से क्षेत्र है, गांव है, तो वहाँ मुख्यालय से भी 145 किलोमीटर दूर होना, उसके बाद जब ग्रामीणों को जब सूचना दी, बताया जा रहा है कि 3 बजे करीब वहाँ से घटना के बाद सूचना मिली, उसके बाद पुलिस महकमा जिला प्रशासन के लोग भी सुबह तक पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ जाने में भी 2-3 घंटे लगते हैं जिला मुख्यालय से, तो निश्चित ही जाँच, और इस बीच गाँव के लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोगों ने ही तुरंत उस समय जो स्थानीय थाना पुलिस तो पहुंच चुकी थी और उस युवक को ढूंढना शुरू किया जो हमला करने के बाद वहां से भाग गया था, तो वो कुछ ही दूर पर वहां पर मिला, मृत मिला, फांसी लगा ली उसने, और ये भतीजा जो था, ये जो बच पोता बच गया था, ये भी थोड़ा घायल था, ये भी दूर था थोड़ा, एक बच्चे को तो गोद में माँ ने, दादी ने छुपा लिया था, और दूसरा जो बच्चा घायल हुआ था वो थोड़ा दूर जाकर गिरा था, फिर उसे वहां से जो 100 डायल के बाद जब वहां एम्बुलेंस स्थानीय पहुंची, उसके बाद उसे जिला छिंदवाड़ा में।